फिर परमेश्वर। अब रविदास जी से उपदेश इसलिए लिया, दिलवाया परमेश्वर ने, कि वो ठाकरों की लड़की थी, रविदास जी चमार जाति से थे, इसकी फड़क निकाल दें, कहीं इसके अंदर जाति अभिमान ना रह जा, और अभिमान जीव का शत्रु है, किसी भी प्रकार से किसी भी दृष्टिकोण से मान बढ़ाई आगे तो भगवान साथ नहीं देता। तो मीराबाई भी पक्की थी, जब रविदास जी ने कहा कि बहन मैं चमार जाति से हूँ और आप ठाकुरों की बेटी है, कल ने देख लिया दुनिया तुझे जीने नहीं देगी, कहा मुझे गुरु बनाने आगी तू, तो मीराबाई ने कहा कि उन महात्मा ने कहा है, वहीं थे कबीर साहब दोनों, उनकी लीला कबीर जी की लीला थी, बोली बतलाई बात थी, उन्होंने कहा है और महाराज जी मैं कच्चे काम नहीं करती, आप मेरे पिता में आपकी बेटी मन नाम दे दो, बाढ़ में जाओ यूँ समाज और कुल है, तो पुणात्मा नो बना कर बात। फिर वो उपदेश लेकर के सत्संग, क्योंकि परमात्मा आते थे उस नगरी जहाँ वो ब्याह रखी थी, उसका पति मर गया था, वो तो नेक आदमी था पहले, वो उसको मना नहीं करता था, मंदिर में जाती थी, लेकिन उसके देवर ने इस दृष्टिकोण से कति प्रतिबंध ला दिया कि तू घर से नहीं निकलेगी, दुनिया थूकेगी हमारे को कि तुम्हारी भाभी बाहर जाती है, उसका पति सिर पे है नहीं। लेकिन पहले तो मंदिर में जाया करती, फिर वो जान लगी रात ने भी सत्संग में, तो उसको जान से मारने का प्रयत्न किया, विष पिला दिया मीराबाई को उसने, और विष भी पी गई डरती, भाई कोई बात ना, कहता या तो पी लेना तलवार तो काटूंगा, मीरा ने सोचा तलवार से दर्द होगा, विष पी लेती हूँ, मौत तो भी करे मारे तो गाय ही, विष पी लिया न्यू की न्यू बैठी। कहते हैं मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या हो गया सर्द ही यारे, कहाँ तो वो जहर इतना भयंकर पिला दिया और अमृत जैसा हो गया परमात्मा की कृपा से, नहीं मरी, और भी बहुत से प्रयत्न करे पर वो नहीं मरी। अंत में मीराबाई की माँ को बुला लिया उसने, उसके देवर ने, राजा था वो, और कहा मौसी तुम्हें समझा दे इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया, पहले दिन में मंदिर में जाती थी अब रात में सत्संगों में जाती है। अब संसारिक लोग तो इतनी ही बात जानते हैं, मीराबाई की माँ क्या कहती है, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग कर तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग कर तकरार, सत्संग में जाना मीरा। अब मीराबाई क्या कहती है, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, तेरे सत्संग के राह में है, थारे सत्संग के राह में है, हाय वाप रहते हैं काड़े नाग, कोई कोई नाग तन डस ले वही, आए वहाँ पर ते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस ले वही, जब सतगुरु मारे मेर करेरी, जब सतगुरु जी की मेर होवेरी, हारी व तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी,
हारीव तो सर्प गंडे वे बने जाव सतसंग में जाना मेरा ना छुटेरी थारे सतसंग के राय मही थारे सतसंग के राय मही हाए वापरते हैं बबरी शेर कोई कोई शेर तन खाल वही हाए वापरते हैं बबरी शेर कोई कोई शेर तन खाल वही जब गुरु मारे मेर करेरी जब म गुरु मारे मेर करेरी हारीव तो शेरों के गिदड़ बने जाव सतसंग में जाना मेरा ना छुटेरी हारीव तो शेरों के गिदड़ बने जाव सतसंग में जाना मेरा ना छुटेरी थारे सतसंग के बीच में ही थारे सतसंग के बीच में ही हाए वापरते हैं साधु संत कोई कोई संत तन ले रमे हाए वापरते हैं साधु संत कोई कोई संत तन ले रमे तेरे री मन में माता पाप हैरी तेरे री मन में माता पाप हैरी संत मेरे माँ बाप हैरी संत मेरे माँ बाप हैरी हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार सतसंग में जाना मेरा ना छुटेरी अब आखिरी चोट मारे हुआ माँ वो तो जाते चमार है ही वो तो जाते चमार है ही इसमें हमारी हार है ही वो तो जाते चमार है ही इसमें हमारी आर है ही तेरे री लेख माता चमार हैरी तेरे री लेख माता चमार हैरी मेरा सिर जन आर हैरी मेरा सिर जन आर हैरी हारी व तो मीरा के गुरु रविदास सतसंग में जाना मेरा ना छुटेरी हारी व तो मीरा के गुरु रविदास सतसंग में जाना मेरा ना छुटेरी अपनात्माओं इस सतिथि में एक दिन आना पड़ेगा अपने लोक लाज मर्याद जगत की और तिरण जो तोड़ बगावे और गुरुजी को जैसे मीराबाई ने उसकी माँ ने आखिरी अटैक कर दिया कि वो तो चमार है बेटी और हम जो ना बड़े ठाकुर हैं तब ने बोली तेरे लेख चमार होगा मेरा तो भगवान है परमात्मा भी कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध और महादुखी संसार में फिर आग गई उनकी बोलो सतगुरुदेव।